स्टार्ट हो गया, तुम इन्वेस्ट कर लो। अच्छा, इंस्टॉल करने से पहले ना इसको हमने कंपैटिबिलिटी इसकी सेटिंग करनी होती है। सेटअप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड। और विंडो आपकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने एक्सपी सर्विस पैक 2, ये तमाम विंडोज़ के साथ कंपैटिबिलिटी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है पूरा, इसके साथ आपने इसको करना है कंपैटिबल इंस्टॉल करने से पहले। टेन जी सेटअप की प्रॉपर्टीज में जाना है आपने, इसी सेटअप की। अब ध्यान से देखो ना, अच्छा ये पाथ के हवाले से आपने खुद पाथ नहीं इसका सेट करने ला जाना ब्राउज करके, ये अपना पाथ खुद सेट करती है, ठीक है। ओरेकल जहाँ इसको ड्राइव में बेटर अपनी सर्विसेज इंस्टॉल करने का लगता है तो ये वहीं पे अपना पाथ खुद ही ऑटोमेटिकली करती है, ठीक है। ई अब ई आ रहा ना तो आपने इसको खुद नहीं ब्राउज करना, ठीक है। वो बाद में प्रॉब्लम होती है सर्विसेज के हवाले से। ओरेकल कॉर्पोरेशन, ओरेकल कॉर्पोरेशन की है। अच्छा जनाब, यहाँ अब जो पासवर्ड रखेंगे वो एडमिन का पासवर्ड है, ठीक है। हाँ जी, पासवर्ड रखना है आपने अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए पासवर्ड इसका। ये देखो उसने नीचे लिखा हुआ है कि ये आपका पासवर्ड किन किन अकाउंट को ओरेकल के सपोर्ट करेगा। इसमें अकाउंट होंगे, जब इंस्टॉल हो जाएगा ना लास्ट में अकाउंट को शो करता है। ये देखो सिस का, सिस्टम एडमिन का, ये सारे इसके हैं अकाउंट यूज़र इसके अपने, ठीक है। अब जनाब हमने बेसिक इंस्टॉलेशन करनी है, नेक्स्ट। अच्छा अब ये ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आपकी कुछ सर्विसेज जो होती हैं उनकी चेकिंग करता है अब ये खुद, ठीक है। ये आपकी ओरेकल अपनी इंस्टॉलिंग जो रिक्वायरमेंट है ना बेसिकली उनको चेक कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ये जो मैंने कंपैटिबिलिटी सेट किया शुरू में, ये अब चेक कर रहा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर स्टेटस बाद ऑटोमेटिक या सक्सीड आ रहा होता है, अगर किसी का इंस्टॉल करते कोई एरर आएगा तो हो सकता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ से परेशान नहीं होना, ठीक है। ये डिफरेंट आ सकते हैं यहाँ पे जब हर कोई इंस्टॉल करेगा तो। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से उसने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये अभी सारी इसने कंपैटिबिलिटी खुद जो है ना वो सेट करनी है, जो मैंने स्टार्ट में रख दिया कि सर्विस पैक 2 इसकी सर्विसेज हैं। आप देखो ये बता रहा पूरा, इसकी ग्लोबल सेटिंग, प्रोडक्ट लैंग्वेज, ये आप सारा पढ़ सकते हो कि देखो सी ड्राइव की रिक्वायर्ड बता रहा है और ई जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है वो कितनी इसने यूज़ करनी है। फिर इंस्टॉलेशन, इसकी तमाम फीचर्स, ये सारे अभी इंस्टॉल होने हैं, ये सारे खुद ही करेगा, हमें लिहाजा से कोई थर्ड टूल नहीं यूज़ करना पड़ना, ठीक है। वो कंपैटिबिलिटी हमने ज़रूर सेट करनी है विंडो के लिहाज से, क्योंकि ये विंडो 7 है। इसको जनाब नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखो वो साथ साथ बताएगा, इसका जो सन माइक्रो सिस्टम का जावा डेवलपमेंट किट है वो सारा खुद ही इसके अंदर बिल्ट इन है। वर्चुअलाइजेशन के हवाले से रिसोर्स पूलिंग करनी है या आपने पॉलिसीज लगानी होती हैं इसमें, ये साथ साथ आप पढ़ते जाना है कि क्या क्या फीचर्स आने हैं।
ये ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इंस्टॉलेशन के दौरान वो कौन कौन से फीचर जो है वो खुद अपडेट करता है, ठीक है। ये एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है इसकी, ऑनलाइन प्रोसेसिंग के भी फीचर्स होते हैं और एनालिटिकल के भी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के हवाले से जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं ना, या वो सारी सर्विसेज इसमें इंस्टॉल हो रही हैं इंटरप्राइज लेवल पे। ये देखो बैकअप एंड रिकवरीज फीचर आ गए हैं, अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड जो भी उसको है वो साथ साथ बता रहा है कि ये फीचर इसमें अवेलेबल है, वो इंस्टॉल कर रहा है साथ साथ। नेक्स्ट जनाब स्टोरेज मैनेजमेंट की सर्विसेज देख लें आप कौन कौन सी इसमें इंस्टॉल होती हैं बिल्ट इन, स्टोरेज यूटिलाइजेशन के हवाले से, क्योंकि सेंट्रलाइज में तो हमारी ये मुकम्मल एक हार्ड डिस्क है ना, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे लेके जाएंगे तो अगर हमने हार्ड अपनी रिसोर्स अपना शेयर करना है तब ये तमाम मैनेजमेंट उसकी बता रहा है आपको, आईओ मैनेजमेंट आपकी रैम मैनेजमेंट वो सारी इसमें आ जाती है। ये मैंने आपको रैक जब फर्स्ट लेक्चर दिया था कि ओरेकल क्यों नंबर वन है, तो रियल एप्लीकेशन क्लस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी सर्विसेज इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। ये अब स्पेस मैनेजमेंट जो होती है ना उसकी सेटिंग है सारी, सेल्फ मैनेजिंग डेटाबेस कहते हैं इसको SPD। बंद ना कर देना हाँ मैंने कहा बंद ना कर देना कुछ हमारा तो नहीं ना ये प्रोसीजरल लैंग्वेज PL SQL की फीचर जो हैं वो अब इंस्टॉल हो रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेवल पे। सर सॉफ्टवेयर इतने काम करते हैं लेकिन इनकी विजुअली कोई लुक नहीं आती, इसके अपनी सारी सर्विस है इसने खुद इंस्टॉल करना है थर्ड पार्टी के सर नहीं इंस्टॉलेशन का है क्या, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी इंटरप्राइज लेवल के हैं ना सॉफ्टवेयर वो बैक एंड के फीचर्स तो बहुत ज़बर है लेकिन वो विजुअल करना पड़ता लेकिन सर विजुअली इनकी कोई अच्छी लुक नहीं होती है सर, ये देखना ये जब इंस्टॉल होनी ऐसा नोट पैड सर मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ मुझे बैक एंड की वर्किंग के कंसेप्ट आ जाते हैं लेकिन फ्रंट एंड सर मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूँ कर लगे अच्छा नहीं बनता। ये जनाब बातें ना करो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की देख लो सेटिंग वो खुद कर रहा है सारा ये। सर इसमें कोडिंग का भी होगा ना, इस वक्त जो उसकी तमाम बैकअप फाइल्स होती है ना उनकी इंस्टॉलेशन हो रही है सर, कोडिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, जगह ही लेनी है पता नहीं सी ड्राइव में मेरी जगह है या नहीं, सर सी में अगर मेरी जगह ना हुई
सी थोड़ी सी कर लेना, 5-6 GB फ्री। कौन जी? हाँ इतना ही कर लेना ताकि वो फिर महीने की अगर जगह नहीं, एक दो रह जाए तो मैं कहाँ करूँ स्टार्ट। सर अगर विंडो की दोबारा, क्योंकि सर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो कर लिया था, वो इतनी चीज़ें कर लेना, सॉफ्टवेयर है लिया वो जगह सारी खास। एंड्रॉयड स्टूडियो 50 GB ले गया, मैंने अनइंस्टॉल भी किया लेकिन फिर भी उसकी कहीं ना कहीं फाइलें पड़ी हैं। वैसे सर्विस फाइल्स होती हैं करना पड़ेगा सर, वो विंडो कर लूँ फिर वो सॉफ्टवेयर इतने दो दिन में सॉफ्टवेयर ही करता रहूँ। सलामुअलैकुम, मैं इधर एक्चुअल 6 मास्टर का यार रूम नंबर क्या है? सर ये रूम नंबर 31 है शायद। हाँ सारे इसके बिल्ट इन टूल हैं जो इंस्टॉल हो रहे हैं। इस वक्त जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हो रहा है ना, वो ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट कहते हैं इसको, ODCA। ये अब डेटाबेस की फाइल जो है वो कॉपी हो रही हैं, देख लेना आप। सर मुझे वो कमांड पूछनी है कि वो फोल्डर की प्रॉपर्टीज में ना हिडन डिसेबल ही हो गया था, मतलब एक तो हाइड भी हो गई फोल्डर, वो वायरस था कोई, मैंने असाइनमेंट से भी कलेक्ट किया उनमें से आया होगा किसी एड्रेबल सर पता नहीं, मैंने मेमू साहब के ना कोई असाइनमेंट कलेक्ट किया। मुझे शॉर्टकट मैल यूज़ कर सर, शॉर्टकट तो रिमूव हो गया था, वो था कि फोल्डर या फाइल से हाइड हो गई थी, फिर उसको अनहाइड को अनचेक करने का ऑप्शन भी डिसेबल हो गया था, बहुत ही वाइड ट्रिप की कमांड होती है सर। वो कोई कमांड चलाई थी कि वो फाइलें रीड करे, हिडन फाइल्स को पता नहीं क्या थी, वो चला के काम तो हो गया पर समझ नहीं आई कमांड किस चीज़ की है। ट्रिप की होती है डॉस प्रॉम्प्ट। सर मैक एड्रेस से क्या है? माजे साहब को कॉल करती है, मैंने करती है, फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में चले जाए क्योंकि लेक्चर तो हो गया। तो सर आपने पूरा लेक्चर लेना है? देखते हैं ना कब तक जाता है, तो लगता है पूरा लेक्चर चला जाना है। इंस्टॉल करते हुए फिर काउंट होता है, वो सेट करके आज देख जाऊँगा ना, फिर वो करेंगे स्टार्ट। सर रिजवान साहब बताए गए थे पहले लेक्चर में कि इस
बार जो मिड होते हैं वो क्लासेस में लेक्चर के सर ये काम करा क्यों फंसा रहे एक जगह तो नंबर आ रहे वो भी रहे टीचर ने आना वो शायद आगे सवाल दे एक सवाल दो सवाल अपने पर सर मैं सर से ये कह रहा था कि ठीक है ऑर्डर ये उधर के हैं बेशक किसी के भी ऑर्डर लेकिन आप अपनी डिस्कशन करके एक एक डे फिक्स कर लेंगे इस डे मैंने लेना है कम से कम इतनी तो हमें सहूलत मिलेगी सर वो कह रही है एग्री का रूल है ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है रूल्स एग्री के अप्लाई हो रहे जी सी का नाम हमें लगता है कॉलेज भी रूल अप्लाई करी जाते हैं यार सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है आप किसी ने अगर वीडियो ले रही है या किसी टीचर से के आ गई सर उससे कहूँगा कि आवाज़ कट कर इंस्टॉलेशन के वो बीट एंटे भी यार बातें कर रहे हो आप शोर कर रहे हो सारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है सारी आपकी बातें जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही हैं पता है क्लोन डेटाबेस क्रिएशन होती है ये लॉग फाइल जो होती है ना उनका सेटअप Thank you.
ये क्लोन डेटाबेस क्रिएशन हो रही है इंस्टॉल, जो लॉग फाइल होती है तो वो डुप्लीकेट होता है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीसीए कहते हैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, क्यूरी का भी सवाल है। इससे अच्छा हम विजुअल प्रोग्रामिंग, सर ये विजुअल प्रोग्रामिंग नहीं देता ओरेकल, वैसे तो कोडिंग देता है, पर फीचर अपने हैं इसके, कोई डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, पहले इंस्टॉल हुई है डॉट नेट की फाइल, जब तक ये 100 नहीं ना होनी तब तक आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। सी डी सी कहते हैं इसको, क्लोन डेटाबेस क्रिएशन होनी। अच्छा देखें भाई, ये पासवर्ड मैनेजमेंट में ये आपको ना अकाउंट जो मैं शुरू में बात कर रहा था, अब ये इसके अपने कुछ अकाउंट्स हैं ये जिन पे टिक है ना, ये अनलॉक है, ठीक है, ये जिन पे टिक नहीं ना है ये सारे अनलॉक हैं, और जिन पे टिक है ये लॉक हुए हुए हैं। हमने जौन सा अकाउंट यूज़ करना है उसको हमने उसका लॉक ओपन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और हम बेसिकली हमने ना बेसिकली इसमें ये अकाउंट आपको नजर आ रहा होगा स्कॉट का, स्कॉट ये स्कॉट आ रहा है आपको नजर, स्कॉट के अकाउंट को हमने यूज करना था इसमें, ठीक है। स्कॉट की जनाब थ्योरी ये है कि ओरेकल कॉर्पोरेशन वालों का ये पहला एम्प्लॉयर, ठीक है, स्कॉट पूछा जाता है ये भी। और दूसरा इसमें जो इसका एडमिन पासवर्ड सेट किया था ना इसने, इसने अपने इसकी थ्योरी है, अगर आप विकीपीडिया में पढ़ो कि स्कॉट ने ना एक बिल्ली पाली हुई थी, उसका नाम इसने टाइगर रखा हुआ था बिल्ली का, तो इसके अकाउंट का पासवर्ड भी बिल्ट इन डेटाबेस जो सपोर्ट करती है वो स्कॉट स्लैश टाइगर, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। ये जनाब इंस्टॉलेशन हो गई है, वो आपको बता रहा है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जो जो फाइल्स हो गई हैं सारी। यस कर देना आपने। अच्छा अब आपने कंपैटिबिलिटी फिर जो है ना इसकी आपने चेक करनी है, हमने स्टार्टिंग में कंपैटिबिलिटी जो रखी थी। इसके एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है आपने, और ये एसक्यूएल प्लस है, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करना है आपने और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। अब देखो इसकी कंपैटिबिलिटी फिर आपने जो है ना इसको ठीक कर लेना है, वो इंस्टॉल करने के लिए सपोर्ट की थी, अब हमने जो काम करना है उसको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में नहीं करोगे और सिर्फ यहाँ पे करोगे ना तो अब आपकी वर्किंग ठीक नहीं होनी, अब ये कंपैटिबिलिटी जो हमने इंस्टॉल कर ली है ना ये उसके साथ मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। ये इसका एडिटर समझ लो आप, ठीक है, एसक्यूएल प्लस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिहाज से। चेक कर लेते हैं एक बार कि हो गई है। अब जनाब यूजर नेम ये जो सिस्टम का हमने यूज किया है और ओरेकल का अपना, अभी सिस्टम लेवल पे हम सिस्टम एडमिन पे, पासवर्ड मैंने रखा था CR1234 अल्फा न्यूमेरिक के लिहाज से।
अच्छा ये इसका इंटरफेस है, ये इसका जनाब इंटरफेस है, ठीक है। अच्छा अभी हम हैं सिस्टम एडमिन पे, हमने यूज़ करने होते हैं, मैंने आपको बताया अकाउंट, सिस्टम एडमिन पे वर्किंग नहीं करनी होती, ठीक है। बस केस सेंसिटिव नहीं है, अच्छा मैंने ना एक मतलब क्यूरी यूज़ की चेक करने के लिए कि डाटा फैच हो रहा है कि नहीं, तो डाटा तब तक फैच नहीं होगा जब तक हम अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे, ये हम सिस्टम एडमिन पे हैं, ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए कौन, सी ओ डबल एन कनेक्ट, सिस्टम पे हैं अभी हम, ठीक है, सिस्टम का पासवर्ड लिख रहा हूँ मैं, तो ये जनाब कनेक्ट हो गया, मतलब सिस्टम लेवल पे हैं वो बता रहा है, लेकिन हमने मैंने आपको बताया कि यूज़र पे काम करना है, ठीक है, तो इसका अकाउंट चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसकी कमांड होती है, ठहरो मैं ना आपको चेंज करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी हम सिस्टम एडमिन पे हैं, मैं डायरेक्ट अगर स्कॉट को एक्सेस करता हूँ तो ठीक है, उसके बाद मैं फिर आपको चेंज करके दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पे हमने जब यूज़र और पासवर्ड ऐड करना था ना तो स्कॉट का करना था, ठीक है, अभी स्कॉट अकाउंट ओपन नहीं है, सिस्टम एडमिन पे हम, ठीक है, और स्कॉट का पासवर्ड है टाइगर, स्कॉट, ये जनाब देखें लिखा आ गया, ये हॉट स्ट्रिंग आपने नहीं अभी इस पर नहीं वर्किंग करनी कोई, देखो लिखा आ गया कि अकाउंट इज लॉक्ड, ठीक है, मतलब हम अभी सिस्टम एडमिन पे हैं, तो हमने काम करना है स्कॉट पे, तो अब जो मैं काम करने लगा था कि स्कॉट अकाउंट को अनलॉक करना है, ठीक है, आपने जो वर्किंग करनी है डेटाबेस में वो स्कॉट में करनी है, जी सर, तो इसको ठीक करते हैं, फिर दोबारा सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है, ये मैंने कहा अभी इसको छोड़ दो, इसकी वर्किंग नहीं अभी करनी है, ये जनाब ऊपर कनेक्टेड टू एक फीचर है इसके ओरेकल के अपने के, ये जितना काम है ना सारा ऑनलाइन ओल ऐप लिखा हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होती है, ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इसमें सिलेबस भी है और डाटा माइनिंग का, ये तमाम उसको भी सपोर्ट करते हैं, पहले हम अपना स्कॉट को अनलॉक कर लेते हैं, तो अब कमांड यूज करते हैं हम, alter user scott count unlock, ठीक है, जोन सा भी यूजर है, मैंने आपको सारे यूजर तब स्टार्टिंग में दिखाए हैं, कोई भी यूजर आपने अनलॉक करना है तो ये जनाब ये इसकी क्यूरी है, और लिखा आ गया यूजर चेंज हो गया, ठीक है, अब चेक करते हैं इसको बंद करके, पासवर्ड है टाइगर, तो लिखा आ रहा है कि पासवर्ड एक्सपायर, मतलब पासवर्ड चेंज का कह रहा है, अगर आपने करना है तो मैं इसको चेंज नहीं करता, टाइगर ही रहने देता हूँ, ठीक है, मर्जी है आपकी, अगर आपने करना है क्योंकि आपकी अपनी डेटाबेस है, कोई और यूज़ ना करे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी अपना पासवर्ड काम करने के लिए ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहना है अगर तो वो टाइगर ही है इसका। अब जनाब ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, कह रहा है पासवर्ड चेंज, और ये अब आपका इंटरफेस है, आप कमांड यूज़ करके देखते हैं, ये जनाब आप समझ लो कि एक तमाम कॉलम व्यू करने हैं आपने, ये कमांड है, चेक करने लगा मैं उसका इंटरफेस आता है कि नहीं, ये भी इसमें डिफ़ॉल्ट पड़े हुए हैं, जो हर अकाउंट के लिए ऐसे डाटा उसने बिल्ट इन जो Oracle 10G में स्टोर है, ये जनाब ये डाटा पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है,
ये अभी मैंने चेक किया है कि मेरा जो स्पॉट का अकाउंट है वो अनलॉक हो गया कि नहीं, और उसमें बिल्ट इन डाटा जो रैकल कॉरपोरेशन है, इसमें बिल्ट इन डाटा जस्ट क्यूरी व्यू करने के लिए या क्यूरी चेक करने के लिए क्यूरी स्पॉट हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये क्यूरी चेकिंग के हवाले से है, जिसको आप कह लो कि ये डेमो है, किस्म का सिमुलेटर है आपका, आप वर्किंग कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, मतलब अपनी डाटा बेस डिज़ाइन करने से पहले आप उसकी जो अपनी बिल्ट इन फाइल्स हैं उन पर क्यूरीज यूज़ कर लो, ठीक है। अब जनाब ये देखो, ये डिफ़ॉल्ट डाटा उसने मतलब रैकल कॉरपोरेशन ने 10G के अंदर जो स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। एम्प एक टेबल का नाम है, एस्टेरिक यूज़ होता है फॉर ऑल कॉलम डिस्प्ले करवाने के लिए कि एक टेबल में कितने कॉलम है, ठीक है। और सेमी कॉलन यूज़ करना है आपने इसकी हर क्यूरी के लास्ट पे, इसका सेंटेक्स है ये। अच्छा आप ये देखो, ये इतना लेंथी आपको लग रहा है लेकिन है इतना लेंथी रिकॉर्ड नहीं, देखो सिर्फ 14 रोज हैं। तो पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो पेज की सेटिंग की याद रखनी है आपने क्यूरी, मैं इसको 1000 कर लेता हूँ, ये इसकी विड्थ होती है पेज की, ठीक है। सेट लाइन मैंने 1000 रखी है, ये पेज विड्थ है। तो अब चेक करता हूँ यही कमांड दोबारा लगा के ना, तो ये रिकॉर्ड था जनाब जो आपको इतना स्कैटर्ड लेंथी नज़र आया 14 रोज के अंदर। तो उसने रिकॉर्ड को जो है ना एक किस्म का सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने जितनी समझ लो कि प्रैक्टिस करनी है ना बेसिक लेवल की, वो हमने इसकी बिल्ट इन यूज़ करते हुए करनी है, जैसे मैंने एक क्यूरी अभी आपको बताई है। अच्छा बात का था, हम इसमें इसका फीचर है कि हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमने जो काम किया ना वो सेव रहे, ठीक है, ताकि फाइल जो है वो बाद में काम कर रहे हैं ब्रेक आ गई या दोबारा आके वहीं से स्टार्ट करना है हमने। तो 10G आपको एक फैसिलिटी देता है स्पूलिंग की, स्पूल बना लो आप, SPOOL, स्पूल। तो स्पूल की क्यूरी याद रखनी है आपने, मतलब अब मैं जितना काम कर रहा हूँ मैं सेव कर लूँ ताकि कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो एक स्पूल होता है, उसकी क्यूरी याद करनी है आपने, और जिस डायरेक्टरी में आपने स्पूल की फाइल सेव करवानी है उस डायरेक्टरी का नाम दे दो, मतलब मैंने डी दे दिया, देख लेते हैं। डी ही जाने देते हैं, ये ड्राइव है, ड्राइव की बात कर रहा हूँ, स्पूल ड्राइव कॉलन बैक स्लैश आगे उसका नाम रख लो उस फाइल का। चलो यही कर लेते हैं, अच्छा देखो इसमें एक और फीचर है, अभी बात आपको बता देता हूँ फिर। अब मैंने बैक जाना था, मैंने डी की जगह ई लिखना था, तो वो देखो बैक नहीं जा रहा, अब बैक एरो, बैक स्पेस करना पड़ेगा कि रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इसका एक और फीचर भी होता है, जैसे मैंने पहले डी लिखा, ठीक है, बैक स्लैश, तो मैं बिलफर्ज एंटर करता हूँ अगर, तो मेरी क्यूरी बिलफर्ज गलत हो गई है, तो ईडी करके बैक स्लैश, इसको कहते हैं एडिट बफर, मतलब आपने क्यूरी में कोई गलती कर लिया, क्यूरी को ठीक करना है आपने, ईडी बैक स्लैश एंटर, तो नोट पैड बाई डिफॉल्ट आपका जो है ना ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ये जब हम क्यूरी करेंगे ना लेंथी, फिर आपको इसका प्रॉपर पता लगेगा। फिलहाल याद रखना है ईडी बैक स्लैश, क्यूरी अगर आपकी ठीक नहीं लगी, कोई सिंटैक्स एरर आ गया तो बैक नहीं हो जाता, फिर आपने ईडी करना होता है एडिट बफर। अच्छा अभी फाइल सेव करते हैं, स्पूल की मैं बात कर रहा था कि स्पूल ऑन करना, स्पूल ऑफ करना, ठीक है। ये मतलब प्रैक्टिस मैंने लिखा है, अब ये फाइल सेव हो चुकी है, देख लेते हैं कि फाइल जब हम ऑफ करेंगे, अभी आपको व्यू करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो फाइल आ गई प्रैक्टिस के नाम की, डी में
आप जो काम करेंगे ना वो इसमें खुद ही सेव होता जाएगा। और लास्ट में स्पूल ऑफ करेंगे तो अब दो चार क्यूरियाँ लगा के चेक करते हैं, ठीक है। अब इसी कॉलम में से जो आपको नज़र आ रहा है, मैं कोई से मतलब दो कॉलम व्यू करना चाह रहा हूँ, अगर जैसे एम्प्लॉय नंबर का और एम्प्लॉय नेम का, ऊपर आपका दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसी टेबल में से मैंने मतलब दो कॉलम फेच कर लिए हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने ये डिस्टिंक्ट एक यूज़ किया क्यूरी, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक कीवर्ड है, मतलब आप डिपार्टमेंट वाइज अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अगर ऊपर व्यू करो डिपार्टमेंट को तो देखो 10, 20, 30 मतलब मुख्तलिफ एम्प्लॉय नंबर है, उनका डिपार्टमेंट नंबर सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो उस लिहाज उसने बताया कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, हैं तो तीन ही डिपार्टमेंट, तो मैंने चेक करने थे कि डिपार्टमेंट है कितने, तो वो मैंने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करके क्यूरी यूज़ की है, वो सारी क्यूरी वही है, कुछ कुछ डिफरेंस है। अच्छा आप स्पूल ऑफ करके चेक करते हैं, स्पूल ऑफ कर दिया हमने और एग्जिट, ठीक है जी। अब प्रैक्टिस में देखते हैं जो हमने काम किया वो सेव हुआ है कि नहीं, बस फाइंड अप करते हैं। ये जनाब इसने डिफॉल्ट सेटिंग की होगी, आप इसको नोटपैड में भी व्यू कर सकते हो। अभी देखो जो मैंने क्यूरी लगाई थी स्पूल ऑन करके जितना काम किया है वो आपको व्यू हो रहा है, ठीक है। स्पूल ऑन जहाँ से होता है ना वहाँ से फर्स्ट क्यूरी शो करता है, वो ऊपर नहीं लिखा आएगा स्पूल ऑन, लेकिन लास्ट पे वो बताएगा कि स्पूल ऑफ कहाँ पे हुआ है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो काम किया उसको सेव किया हमने। अच्छा देखते हैं वो स्नैपशॉट सेव हुए हैं कि नहीं जो काम किया है हमने। दूसरा भी ऑफ कर दो।